पर अब्बास जफर एक बार फिर से सलमान खान के साथ बड़े बजट की मूवी को डायरेक्ट करने के लिए तैयार हैं। डायरेक्टर ने फिल्म के स्क्रिप्ट पर काम करना भी शुरू कर दिया है। न्यूज एजेंसी से बात करते हुए अली अब्बास जफर ने कहा कि उन्होंने फिल्म की स्क्रिप्ट पर काम करना शुरू कर दिया है। डायरेक्टर ने बताया कि इंशाल्लाह सलमान सर और मैं एक बड़े बजट की फिल्म करने के लिए एक साथ आएंगे। मैं उनके साथ एक बड़ी एक्शन फिल्म करना चाहता हूँ। इस फिल्म पर मैंने काम करना शुरू कर दिया है और जल्द ही मैं उनके साथ स्क्रिप्ट को शेयर करूंगा। अगर सलमान खान को फिल्म की स्क्रिप्ट पसंद आती है तो ये सुल्तान 2016, टाइगर जिंदा है 2017 और भारत 2019 जैसी ब्लॉकबस्टर देने के बाद दोनों की साथ में चौथी फिल्म होगी। बॉलीवुड सुपरस्टार आमिर खान के भाई फैसल खान अपने बयानों के चलते चर्चा में बने रहते हैं। इस बार फैसल खान सुर्खियों में बने हुए हैं। फैसल खान ने सुशांत सिंह राजपूत की मौत को लेकर एक बड़ा खुलासा कर दिया है। उन्होंने अपने इस बयान में सुशांत सिंह राजपूत की मौत को मर्डर बताया है। अभिनेता ने ये तक कह दिया है कि सुशांत सिंह राजपूत की हत्या कर दी गई थी और जल्द ही सच्चाई सबके सामने आने वाली है। फैसल खान ने कहा कि मुझे पता है कि सुशांत सिंह राजपूत की हत्या कर दी गई है। केस कब खुलेगा या नहीं ये तो वक्त ही बताएगा। इसमें कई एजेंसी शामिल है, जांच चल रही है, कई बार सच सामने भी नहीं आता। मैं प्रार्थना करता हूं कि सच्चाई सामने आए ताकि सबको चीजें पता चले। बॉलीवुड सुपरस्टार रणबीर कपूर और आलिया भट्ट की फिल्म ब्रह्मास्त्र को रिलीज हुए एक हफ्ता पूरा हो चुका है। इस फिल्म ने बीते 7 दिनों में शानदार कमाई अपने नाम की है। रणबीर कपूर और आलिया भट्ट स्टारर और डायरेक्टर अयान मुखर्जी की फिल्म पहले हफ्ते में आखिरकार 300 करोड़ रुपए की बड़ी कमाई का आंकड़ा पार कर चुकी है। इसके साथ ही फिल्म साल 2022 की दूसरी 300 करोड़ ग्रॉसर बन चुकी है। दरअसल ये आंकड़े फिल्म ने वर्ल्ड वाइड स्तर पर हासिल किए हैं। सिद्धार्थ मल्होत्रा की फिल्म थैंक गॉड का गाना मानिके रिलीज हो गया है। इस गाने का इंतजार फैंस को काफी टाइम से था। श्रीलंका के सिंगर युहानी ने इस गाने को गाकर इंटरनेट पर तहलका मचा दिया था। बता दें कि गाने का ओरिजिनल नाम मानिके मांगे हिते है। गाने में सिद्धार्थ मल्होत्रा को अप्सरा बनी नौरा फतेही के साथ डांस करते हुए देखा जा सकता है। बस बाहुबली 1 और बाहुबली 2 को भारत के बाद जापान में सबसे जबरदस्त रिस्पॉन्स मिला था, जिसके बाद इस तथ्य को समझते हुए डायरेक्टर राजा मौली ने अपनी अगली फिल्म RRR को भी जापान में रिलीज करने की तैयारी शुरू कर दी है। इसकी जानकारी खुद मेकर्स अपने सोशल मीडिया हैंडल से भी दे चुके हैं। फिल्म RRR की डबिंग और दूसरे पोस्ट प्रोडक्शन वर्क को पूरा कर दिया गया है, जिसके साथ ही ये फिल्म जापान में रिलीज होने के लिए करीब करीब तैयार हो चुकी है। फिल्म को मेकर्स 21 अक्टूबर के दिन जापान में रिलीज कर रहे हैं। ऐसे में एक बार फिर से डायरेक्टर राजा मौली की फिल्म RRR सुर्खियां बना रही है।